इस समय मेरे साथ है खतरों के वो खिलाड़ी जो सबसे पहला नाम कंफर्म हुआ था खतरों के खिलाड़ी के लिए, राजीव। वेलकम टू फिल्म विंडो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हाउ आर यू? लुकिंग वेरी प्रीटी मैम। थैंक यू। और आप भी बहुत फिट एंड फाइन लग रहे हैं। 70 किलो कम राजीव अदा। हां 70 किलो, ये लिखना। तो कैसे, मतलब आपने जॉइन बहुत पहले शुरू कर दी थी प्रिपरेशन। Obviously, I'm working more towards my core strength in my mental state in this show. तो मतलब बहुत चीजें मैं जो try कर रहा हूँ करने के लिए, and I hope काम आ जाए show में। तो जब आपको offer आया खतरों के खिलाड़ी का, तो sign करने से पहले कितनी बार सोचा? सोचा ही नहीं, मैंने हाँ ही बोल दिया। जो खतरों के खिलाड़ी मुझे offer हुआ था, मतलब बिल्कुल तुरंत next day मुझे offer हुआ था, और वो है आपको जाना पड़ेगा, तो अच्छा मैं जाऊँगा जरूर। अच्छा, option थी नहीं। Because you know, I think they wanted someone fun in the show, and I think you know, this show is something दैट मुझे दिखाने लोगों को मैं भी कर सकता हूँ, मतलब एंड आई वांट टू शो देम कि मैं भी संग कर सकता हूँ, क्यों नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपको बता दूं कि राजीव लिख के ले लीजिए कि लास्ट तक रहने वाले हैं, क्योंकि जब वो बिग बॉस से बाहर आए थे बार बार उनको अंदर भेजा। आपके मुंह में घी शक्कर। क्योंकि आपके बिना एंटरटेनमेंट नहीं होगा ना शो में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आई होप सो। आई होप ये होगा। सबसे पहले ये खबर किसको बताई थी कि मैं केके में जा रहा हूँ? प्रीति को, जो वहाँ मेरी दोस्त वहाँ बेटी, मैंने उसको बताया था मेरे को कि जा रहा था। वो मेरी मम्मी सो रही थी लंदन में कि रात था। हाँ। तो मैं किसको बताऊँ किसको बताऊँ, मैंने प्रीति को मेरे बेस्ट फ्रेंड को बता दिया था। तो मम्मी को फोन किया उसको कि मम मैं जा रहा हूँ। शूज क्या क्या ऐसा मैं जा रहा हूँ शूज। वो थोड़ा शांत हो गई थी कि तू कर पाएगा ऐसा। हाँ क्यों नहीं कर पाओगा। तो वो भी फन। तो मतलब सरप्राइज थे आपके दोस्त जब आपने बताया? आप सरप्राइज नहीं थे? सब सरप्राइज। बट यू नो व्हाट, इट्स अ शो, आई थिंक एवरीवन सरप्राइज। जब वो कोई भी बोलते कि खतरों के खिलाड़ी में कोई जा रहा है, तो आई थिंक एवरीवन सरप्राइज। उसके फैमिली का, अरे ये है, सांप है, चूहा है, ये कर पा गया, यू नो, इट्स अ बिग थिंग। आई थिंक गॉड विलिंग मैं अच्छा करूंगा। शमिता का क्या रिएक्शन था? शी वाज शॉक्ड। शी वाज शॉक्ड। लाइक हैं तू जा रहे हैं? ऐसे टिप्स भी दिया, बहुत गाइडेंस दिया मुझे, एंड शी वाज वेरी स्वीट अबाउट इट। राजीव, आपके साथ उमर के भी जाने की चर्चाएं थी शुरू में, उनका भी नाम आया था। I don't know. I mean, obviously, the lineup's already confirmed now. But he's been a great support system outside Big Boss, inside Big Boss. Now he's been a great support for this also. So I think उसे support बहुत मायने में रखता है। तो आप निशांत और प्रतीक, ये try तो देखने को मिलेगा ही हमें। तो कितना look forward कर रहे हैं वो उनके साथ? देखो Big Boss में साथ थे मेरे साथ, and I think I'm sure बहुत मस्ती fun होगा वो दोनों के साथ और लोगों के साथ। मैं बहुत लोग जानता हूँ शो में, तो I think it's been fun with everybody in this show, and I think it's been new, एक नया अंदाज़ा आप देखोगे मेरा। I think it's a lot of fun, a lot of adventure, a lot of excitement. हमने बिग बॉस में देखा कि राजीव बहुत अच्छे कुक हैं, और खतरों के खिलाड़ी में ऐसा कौन सा सीक्रेट कार्ड खेलने वाले हैं? मुझे सब चूहे सांप शेर के साथ दोस्ती बनाने मुझे, मतलब सबके साथ पालना है मुझे कि भाई मुझे काटो मत। ये एक चीज मैं करूंगा। पता देखो बिग बॉस का अलग बिल्कुल जोनर अलग था, ये बिल्कुल अलग जोनर था। तो आई थिंक ये अंदाजा आप देखोगे ये मेरे साथ, आई थिंक वी डिफरेंट कम्प्लीटली, आई थिंक इट विल बी अ ग्रेट थिंग टू डू, एंड आई जस्ट रियली होप माय फैंस प्राउड, आई मेक रोहित शेट्टी सर प्राउड, and that's one of my main intentions. लेकिन लोग जो फैंस है वो ये लुक फॉरवर्ड कर रहे थे कि आप उमर करण तीनों एक साथ देखने को मिलते इस शो में, और वो डांस आप लोगों का। और शोज बाकी है, और चीज बाकी है, होपफुली इंशाल्लाह हम साथ ही तीनों साथ में काम करेंगे आगे जाके। हमने पिछले शोज में देखा लड़कियां काफी सरप्राइजिंग जो है वो परफॉर्म करती हैं, करिश्मा की बात लूं पिछले, श्वेता, दिव्यांका। हां जैसे दिव्यांका ने पाला था वो एलिगेटर, वो टाइम मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा किया उसने। She's very surprised. So I think, you know, even the girls here, they're very strong. The boys are very strong. I think everyone's strong. Sab strong hai, uske individual purposes mein. Sab strong hai. Khatron ke khiladi mein ek baat kahi jaati hai ki Rohit sir ko gussa tab aata hai jab aap stunts abort karte hai. Hona hi chahiye. Gussa kyun na hona chahiye. Aap dekho show sign karte ho kyun? Aapko jaane ke liye stunts karne ke liye. Aur jitna main koshish karunga main abort nahi karunga. Mujhe usko gussa nahi karna hai pehli baat. Main bahut respect karta hu Rohit Shetty sir ka. और ये भी एक चीज़ है कि वो भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि जो बिग बॉस में मैंने कितना लड़ा था, जो लोग स्टंट धर्त करते थे शो में। तो आई बिलीव कलर्स हो, प्रोडक्शन कितना काम लगाते हैं, कितना पैसे डालते हैं शो में करने के लिए, तो हमको ट्राई तो करना है। और वो गुस्से तब होता है जो लोग ट्राई नहीं करते। तो भाई साहब मुझे उसको खुश रखने में तो सब कुछ ट्राई करने वाला हूँ। आप अपने आप को लकी मानते हैं? इंडियन टेलीविजन में दो बेस्ट होस्ट हैं, एक सलमान खान और दूसरा रोहित शेट्टी। इट्स अ बिग थिंग, आई मीन वर्किंग रोहित शेट्टी इज अ बिग थिंग। मतलब पहला सलमान खान, अभी रोहित शेट्टी। और रोहित शेट्टी जैसे आदमी, मतलब जो इतना अच्छा काम करके आया है, ही इज डूइंग सो मच ग्रेट वर्क, एंड ही इज वन ऑफ द बेस्ट होस्ट आई फील फॉर द शो।
एंड मुझे ये चाहिए कि मुझको खुश रखूँ, मुझको प्राउड फील करवाओ कि राजीव भी कर सकते हैं इस टाइम। तो राजीव, जब आपका नाम आया था तो लोगों ने सोशल मीडिया पे ये भी कहा था कि अरे इस जैसे शो के लिए तो फिजिकली फिट होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब ये बताओ, ये सिक्स पैक्स बना के, मसल्स बना के, चूहा आपका क्या मसल्स ज्यादा देखेंगे, कितना मसल्स आपके पास, लाइन देखेंगे कितना, वो किसी कुछ नहीं होता। हाँ, फिजिकलिटी बहुत बिग चीज़ है, कोर बहुत स्ट्रेंथ आपको चाहिए शो में, पर और भी अलग चीज़ है ये मेंटल स्ट्रेंथ होते हैं शो में। क्या बिकॉज ही फियर एक चीज़ है कि आपका बॉडी, आपका माइंड की बात है, यू टू ओवरकम योर फियर। सो देखो क्या होता है। किस चीज़ से सबसे ज़्यादा डर लग रहा है जाने से पहले? डर सब चीज़ का नहीं भी है। आई थिंक गोइंग देयर आई विल सी व्हाट मेरा लिमिट क्या है, और आई थिंक जितना एक्सट्रीम टास्क रहा है पास्ट में, इतना एक्सट्रीम होने वाला है ये सीजन में कि हर साल बढ़ते जा रहे हैं। तो आई थिंक वहाँ जाके यू सी माई नेचुरल रिएक्शन कि क्या मुझे डर अच्छी लगता है। आई थिंक जाके वो स्टंट देख के मुझे पता चलेगा क्या मुझे बहुत मुझे डर लगता है इस बारे में। ओके, आखिरी सवाल, बहुत सारे लोग हैं जिनको आप पहले से जानते हैं, बहुत ऐसे हैं जिनको नहीं जानते होंगे, तो ऐसा कोई है जिससे मिलने के लिए आप ज़्यादा ये है कि हाँ मैं इस पर्सन से दोस्ती करना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ? बाबा तो मैं सबको जानता हूँ खास में, तो 90% सबको जानता हूँ, तो मतलब ऐसे नहीं मैं कि पहली बार नहीं मिला वट एवर। सो आई थिंक मैं एक इंसान हूँ, मैं सबके साथ बात करता हूँ, प्यार में रहता हूँ, तो आई थिंक सबके साथ मेरी बॉन्डिंग होगी। आई डोंट थिंक इट विल बी वन पर्सन इन पर्टिकुलर, but let's see, I'm sure we're gonna have a lot of fun on this show. Aapke fans ke liye kuch? Thank you to all my fans for loving me, supporting me and blessing me always. I'm so thankful. Please support me in Khatak Ke Khiladi also, and I hope to entertain you and I hope you love me in this show. Thank you so much. Thank you and all the best. Thank you so much, I'm lovely seeing you.